विश्ववंदनीय समर भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन शासन की यह अनादिकालीन चली आ रही सत्यमयी दृष्टि हर एक जीव में अनावृत हो जाए, ऐसा न कभी प्राचीन युग में था, न वर्तमान में है और न कभी भविष्य में होगा। सत्य दृष्टि हर किसी में अनावृत नहीं होते। इसका कारण यह नहीं कि सत्य दृष्टि अनावृत नहीं हो सकती या नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि सत्य दृष्टि को अनावृत करने के लिए एक इंसान को स्वयमेव अपने मोह से, भ्रम से, भय से मुक्त होना होता है। और हमारा मोह हमें अच्छा लगता है, हमारा भ्रम हमें तब तक अच्छा लगता है जब तक कि उसकी वजह से हमें कोई साक्षात दिक्कत अनुभव नहीं हो रही हो। और हमारा भय, हम में से कितने ही लोग कह दें कि हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, फिर भी हम लोग भय से मुक्त होना नहीं चाहते। कहने को तो कह देंगे कि हम भय से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हकीकत है कि हम भय से मुक्ति नहीं चाहते। आप कहोगे ऐसा कैसे कि हम भय से मुक्ति नहीं चाहते? हाँ, हम भय से मुक्ति इसलिए नहीं चाहते क्योंकि भय से मुक्त होने पर हम अकेले हो जाएंगे, अलग थलग कर दिए जाएंगे, हम समाज से अलग हो जाएंगे, क्योंकि समाज सारा भयभीतों का समूह है। और भय से मुक्ति चाहने का मतलब है कि अब आप समाज की एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। इसीलिए कहना आसान है कि भय से मुक्ति चाहता हूं, लेकिन हकीकत में हम भय से मुक्ति नहीं चाहेंगे। क्लियर हुई बात? भय क्यों? सब लोगों की सोच का, लोगों की अपेक्षाओं का, लोगों के अनुरूप जीना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम लोगों के अनुरूप न रहो तब भी मुश्किल होगा। लोगों के अनुरूप जीने में औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। औपचारिकताएं निभाते समय आदमी परेशानियां झेलता है, परेशान आदमी कहता है कि इन सब की जरूरत क्या है, इन सबको उगाड़ दो, छोड़ दो, तोड़ दो, ये सारी सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज किस काम की, हटा दो इनको। लेकिन वही व्यक्ति अगर ये कह दिया जाए उसको कि अब से तुम्हारा कोई नहीं, वो कहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे को संग चाहिए। और जैसे ही संग की इच्छा पैदा होगी वैसे ही बाकी सारे दोष भी आ जाएंगे। संग की इच्छा पैदा होते ही सारे दोष आ जाएंगे, भय भी आएगा, भ्रम भी आएगा, औपचारिकताएं भी आएंगी, मोह भी आएगा, और मोह आएगा तो द्रोह भी आएगा। द्रोह यानी मोह का विपरीत छोर, सेकंड पोल ऑफ मोह, द्रोह। द्रोह मोह कहता है चिपकना, द्रोह चाहता है भागना, दूर हटना। मोह चाहता है आकर्षण और द्रोह में होता है विकर्षण। जहां आकर्षण होगा वहां विकर्षण भी होगा। ये सारे दोष संग की वजह से पैदा होते हैं। इसलिए आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है कि संग दोष को जानो। सारे दोष जो पैदा होते हैं वो संग की इच्छा से पैदा होते हैं। संग, गमले वाला घ, संघ नहीं बोल रही हूं, संग, संग की इच्छा से सारे दोष पैदा होते हैं। साथ चाहिए, संगी साथी चाहिए, शब्द यूज करते हैं ना, संगी साथी। और संग चाहिए जिस व्यक्ति को, उसके पास में अभय होने का अभी उपाय नहीं, क्योंकि अभय होने का मतलब है निसंग हो जाना, बिना किसी संग का वही अभय हो सकता है।
जहां तक आसक्ति है, जहां तक संग है, वहां तक भय भी मौजूद रहेगा रहेगा रहेगा। इसीलिए लोग कह देते हैं भय से मुक्ति चाहिए, लेकिन हकीकत में नहीं चाहिए, क्योंकि भय से मुक्ति होने का मतलब है संग से मुक्ति, संग की चाहत से मुक्ति, संग की लालसा से मुक्ति। फिर दुनिया ना मिलेगी, और दुनिया ना मिलेगी तो आदमी करेगा क्या? वो कहता है दुनिया है इसीलिए तो मैं हूं, और मुझे दुनिया ही ना मिले तो मैं तो जी नहीं सकता। इसीलिए चाहे अज्ञानियों की भीड़ है, चाहे डरपोकों की भीड़ है, चाहे सब असामाजिक तत्व रहेंगे, तब भी हम रहेंगे उन सबके साथ जुड़ करके ही। इसलिए महावीर जैसे की वाणी और महावीर जैसे का मार्ग सबके लिए नहीं होता। ये सत्य दृष्टि अनावृत हो सकती है, लेकिन नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आदमी को पता भी लग जाए तब भी आदमी भ्रम में जीना पसंद करता है। सत्य आसान है, भ्रम बहुत कठिन है। पता है क्यों? क्योंकि सत्य को मानना नहीं पड़ता, मनवाना नहीं पड़ता, सत्य को बार बार पुष्ट नहीं करना पड़ता, सत्य को किसी पुष्टि की जरूरत नहीं है। लेकिन भ्रम ऐसा है जिसको मानना पड़ता है, जिसको मनवाना पड़ता है, जिसको बार बार पुष्टि की जरूरत पड़ती है। आप देखो जब पति पत्नी लड़ते हैं, अब प्यार है तो लड़ते भी, आप कहोगे प्यार है, तकरार भी होती है, और जब तकरार होती है तब पत्नी तकरार होने के बाद में क्या करती है, क्या कहती है? आखिर तो मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं, मानते हो कि नहीं मानते मेरे को पत्नी? वो पति क्या बोले? देवी मानता हूं, तेरी नहीं मानूंगा तो जाऊंगा कहां, खाना कहां मिलेगा, मानता हूं। ठीक है, पत्नी ना माने, रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो पति भी यही डायलॉग्स बोलता है, मैं ही हूं जो तुझे इतना प्यार करता हूं, तू मानती है कि नहीं मानती? वो कहे कि हाँ भैया मानती हूं, मानती हूं, मुझे मानो, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, मैं तुम्हें अपना साधु मानता हूं, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। मानता हूं किसको कहना पड़ता है? मानता हूं का मतलब क्या, वो है या नहीं? भ्रम है, भ्रमों को मानना पड़ता है, सत्य को मानना नहीं पड़ता। ये बड़ा अंतर है। तुम मुझे अपना गुरु मानो, इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्ट मतलब है कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, तुम मुझे गुरु मानो। महावीर कभी नहीं कहते मुझे गुरु मानो, कभी नहीं कहते मुझे भगवान मानो। लेकिन महावीर के समकालीन ऐसे लोग रहे जो कहा करते थे मुझे भगवान मानो, मैं भगवान हूं। महावीर ने नहीं कहा। भ्रमों को पुष्टि की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है, वोटिंग्स की जरूरत होती है, बार बार मानना पड़ता है, मनवाना पड़ता है। भ्रम आसान नहीं है, लेकिन इतनी कितनी भी मेहनत लग जाए फिर भी इंसान भ्रमों में ही जीना पसंद करता है। सत्य दृष्टि को अनावृत होने से वो रोकता रहता है। सत्य दिखलाई पड़ रहा है कि स्त्री एक पुरुष है, जरूरत के लिए नजदीक आए हैं, क्योंकि कुछ जरूरतें ऐसी है जो अकेले जिंदगी में नहीं पूरी की जा सकती है, इसलिए हमने रिश्ते बना लिए। अब जिंदगी पर उन रिश्तों का नाम, टैग, विशेषण बार 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 याद दिला करके दिला करके दिला करके हम एक दूसरे के दिमाग में हैमरिंग करते जाते हैं। मानो में हस्बैंड, मानो में वाइफ, मानो में माँ, मानो में बेटा, मानो में सास, मानो में ननद, मानो में देवर, मानो में भाई, सब कुछ मानना बार 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 पड़ता है। सारे दोष क्यों रहेंगे? क्योंकि संग चाहिए, संग चाहिए। महावीर इस तथ्य को बचपन से देख रहे थे। एक तीर्थंकर तीर्थंकर होने से पहले, एक ज्ञानी, एक मुक्त पुरुष मुक्त होने से पहले संसार के सारे भ्रमों का साक्षात्कार करता है। और हकीकत यह है कि जो सारे भ्रमों का साक्षात्कार कर ले उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है।
ये दो शब्द बड़े नजदीक के हैं, एक भ्रम एक ब्रह्म। उच्चारण में फर्क लग रहा है ना, भ्रम और ब्रह्म है? और बहुत नजदीक के हैं। ब्रह्म उसको कहते हैं अनंत ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञानी, ठीक है ना। और ब्रह्मांड का ज्ञानी होने का मतलब क्या है? ब्रह्मांड को जानना, टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखना, बिल्कुल नहीं। किसी टेलीस्कोप से, किसी दूरबीन से, किसी तरह की मशीनों से ब्रह्मांड को जानना देखना ब्रह्म ज्ञानी होना नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ता है। अपने भ्रमों को जानना होता है तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो पाते हैं। महावीर क्या देखते थे बचपन से, कैसे महावीर महावीर हुए, जरा उनकी यात्रा को अपने अनुभव से देखना। क्या थोड़ा सा प्रयास करें तो पता लगेगा कि वो देखते थे बचपन में ही कि उस राजघराने के अंदर कितनी बातें उठती है, कैसे कैसे लोग न्याय मांगने आते हैं, और राजा को पता भी रहे कि यह व्यक्ति गलत है और यह व्यक्ति सही है, तब भी प्रमाणों के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में राजा को सही व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को सजा देनी पड़ती है, गलत व्यक्ति को सपोर्ट करना पड़ता है। कौन देख रहा है? जो राजा नहीं है, राजा का पुत्र है, राजा सिद्धार्थ का जो पुत्र है जिसका नाम वर्धमान है, वह देख रहा है कि मेरे पिता के सामने क्या हो रहा है, वह देख रहा है कि माता से कैसे और दूसरी स्त्रियां ईर्ष्या कर रही है, वह देख रहा है कि ईर्ष्यावश लोग कैसे एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोपित कर रहे हैं, वो देख रहा है कि जो समस्या दिखलाई जाती है वो क्या है, और जो एक्चुअल समस्या होती है वो क्यों दबा दी जाती है। एक्चुअल समस्या होती है अहंकार की, सत्ता पाने की, लेकिन दिखलाई कभी ये नहीं जाती कि मुझे सत्ता चाहिए इसलिए युद्ध कर रहा हूं। दिखलाया ये जाता है कि तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ मैं युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे में ये दुर्गुण है, इस दुर्गुण की वजह से नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा हूं। दिखलाया तो कुछ और जाता है और होता कुछ और है। राजस्थान में एक कहावत सुनी मैंने बचपन में कि दुखे पेट दिखावे माथो, है ना, दुखता पेट है और दिखाते कि सिर में दर्द है। और बड़ी अजीब सी बात कि ना तो पेट का दर्द दिखाई पड़ता है ना सिर का दर्द। अब दर्द कैसे किसी को दिखलाया जा सकता है? दिखलाया जा सकता है क्या? आप किसी को बोलो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, वो सामने वाला कहेगा जरा दिखा, मैं जब तक ना देख लूँ तब तक मानूंगा नहीं। अब आप कहोगे मैं दिखाऊं कैसे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं दिखलाया जा सकता। तो महावीर इन सारे घटनाक्रमों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ भ्रमों में जी रहे हैं, और इस भ्रम को कभी प्यार का नाम देते हैं अपने भ्रमों को। जब तक दोनों के भ्रम एक दूसरे के टकरा नहीं रहे तब तक वे भ्रम क्या कहलाते हैं? प्यार। प्यार है, भाई बहन को प्यार है, पति पत्नी को प्यार है, माता को बच्चे से प्यार है, पिता को बेटे से प्यार है। कब तक, कब तक प्यार है? आपको अपने बेटे से कब तक प्यार है? जब तक आपका और उसका अहंकार टकराएगा नहीं तब तक प्यार है, और जिस क्षण अहंकार टकराएगा उस क्षण क्या होगा? फिर आपको कहना पड़ेगा मैं बाप हूं, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। कहते हो या नहीं कहते? मैं बाप हूं, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, पिता हूं मैं तेरा, इतना कुछ किया है मैंने तेरे लिए, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप असली में पिता नहीं हो, आपको मनवाना पड़ रहा है, एक भ्रम को पुष्ट करना पड़ रहा है। और जिस दिन अहंकार आ जाएगा ना, वो प्यार वाला भ्रम हट जाएगा और उसकी जगह पर घृणा का भ्रम जन्म ले लेगा, द्वेष का भ्रम जन्म ले लेगा, नाराजगी का भ्रम जन्म ले लेगा। और तब महावीर देख पा रहे हैं कि दुनिया में कैसे लोग एक दूसरे से राजी होते हैं, कब राजी होते हैं और कब नाराज होते हैं। आप देखो, दो भाई आपस में लड़ते, ठीक है,
लेकिन जैसे ही उन दोनों भाइयों पर कोई तीसरा व्यक्ति कुछ कटाक्ष कर दे, कोई पड़ोसी दुकानदार कटाक्ष कर दे, कोई चाचा का बेटा कटाक्ष कर दे, ताऊ का बेटा कटाक्ष कर दे, अब क्या होगा पता है? वे दोनों भाई जो आपस में लड़ रहे थे ना, वे दोनों एक हो जाएंगे और दोनों एक होकर के कहेंगे, तूने हमारे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया? वो कहेगा, मैंने तेरे बारे में थोड़ी बोला, तेरे छोटे भाई के बारे में बोला। तो क्या हुआ? बोला तो मेरे परिवार के लिए है ना, मेरे भाई के लिए तूने ऐसा कैसे बोल दिया? और वो कहे, तू भी तो जो अपने भाई से लड़ता है तो तू भी तो ऐसा कुछ बोलता है। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वो मेरा भाई है, लेकिन तू नहीं बोल सकता। अब महावीर ये सारी घटनाएं देख रहे हैं कि लोग कैसे राजी होते हैं, लोग कैसे नाराज होते हैं। उनका राजी होना भी झूठा, उनकी एकता भी झूठी। और एकता तो अक्सर जब लड़ना होती है तभी एकता इकट्ठी होती है। अगर किसी के देश को एक करना हो, उसके ऊपर दूसरे देश की लड़ाई डाल दो, सारे देशवासी एक हो जाएंगे। और जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाएगी, सारे देशवासी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो महावीर ने देखा ये सारे भ्रमों को। धीरे 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 भ्रम की परतें उगड़ती गई, उगड़ती गई, उगड़ती गई। और जितने ज्यादा भ्रमों का साक्षात्कार हो गया, उतने उतने वे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। और जिस दिन सारे भ्रम का साक्षात्कार हो गया, यानी भ्रम छूटे, पूर्ण ज्ञानी हो गए। तो ज्ञान पाने का तरीका क्या? अज्ञान को जानना, अज्ञान को जानना ज्ञान पाने का तरीका है। और मुक्त होने का तरीका क्या है? बंधनों को जानना। सत्य दृष्टि को प्रकट करने का तरीका क्या है? मिथ्यात्व को जानना। मिथ्यात्व कह दो, भ्रम कह दो, एक ही बात है। मिथ्या का मतलब ही यही है, भ्रम, जो है नहीं वैसा जानना। और हम अपने भ्रमों को देखना स्टार्ट करते, जिसके भीतर अपने ये सारे भ्रमों को देखने वाली दृष्टि प्रकट होने लग गई, जो जितना शांति से अपने चारों ओर के मौजूद वातावरण में, ये सारे हालातों में मौजूद भ्रमणाओं को देख पाएगा, वो व्यक्ति उतना उतना संग की इच्छा से मुक्त हो जाएगा। और आचार्य सूत्र स्पष्ट कहता है, जब तक संग की इच्छा है, संग की इच्छा को शास्त्र में एक शब्द कहते हैं संसर्ग, संसर्ग, संग, संग की इच्छा से जो पैदा हुआ संसार, उसका नाम है संसर्ग। तो क्या संसर्ग से सारे दोष पैदा होते हैं? और ये संसर्ग की इच्छा खत्म हो जाए, कब खत्म होगी? दबाने से खत्म नहीं होगी, त्यागने से खत्म नहीं होगी, पचकार से खत्म नहीं होगी। ये खत्म कब होगी? इस सारे भ्रमों के स्वरूप को जानने से, संग से पैदा होने वाले दोषों के स्वरूप को जानने से ये सारी इच्छाएं खत्म होगी। और जैसे जैसे हम इन दोषों को जानते जाएंगे, ये इच्छाएं खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे भीतर मौजूद भय दूर हो जाएगा। और भय का दूर होना और ज्ञान का प्रगटना एक ही बात है। भय दूर होना और ज्ञान प्रकट होना एक ही बात है। नमो जिनानम जीय भयानम। नमस्कार है जिनको, जिन्होंने भय को जीत लिया। जिन कब हुआ? जब भय जीता। और भय मतलब क्या? भ्रम में जीने की इच्छा, यानी भय। और भ्रम में जीने की इच्छा क्यों? क्योंकि संग चाहिए। और संग क्यों चाहिए? संग क्यों चाहिए? क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं। विशेष सर्कल है, सत्य का ज्ञान नहीं, इसीलिए संग चाहिए। और सत्य का ज्ञान कैसे पैदा होगा? इस भ्रम को देखने से। तो महावीर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। उन्हें समझ में आया सारे रिश्ते झूठे हैं। उन्हें समझ में आया प्यार का दावा करने वाले लोग भी पूरे पूरे झूठे हैं। वे तब तक ही प्यार का दावा करते हैं जब तक उनको मुझसे कुछ चाहिए। और जिस दिन उनको मुझसे जो चाहिए वो मिलना बंद हो जाएगा, वो प्यार का दावा भी बदल जाएगा। और ऐसा ही है, अच्छे अच्छे बुजुर्ग साधुओं से
हमारा इस छोटी सी जिंदगी में मिलना हुआ, जो बहुत अनुभवी साधु हुए, जिन्होंने बहुत ज्ञान पाया, समाज में बहुत जिनका नाम रहा। जब एकदम बुढ़ापे में थे तब उनके चरणों में पास में बैठने का मुझे मौका मिला, और ये उनकी कृपा रही मुझ पर कि वे अपने अनुभव मुझे आराम से शेयर करते थे। तब एक बुजुर्ग साध्वी जी ने मुझे बताया कि जब तक हम इस समाज को कुछ देते रहते हैं लगातार, तब तक ही ये समाज के अंदर भी कदर रहती है, और जिस दिन साधु बन के भी बुढ़ापे में आ जाता है और समाज को अपनी योग्यता का दान नहीं कर पाता, प्रवचन नहीं कर पाता, समाज की सेवाएं नहीं कर पाता, वही समाज जो कल तक उनको सिर आंखों पे चढ़ा के रखता था, उसके बाद में कहता है महाराज साहब स्थानक खाली करो, क्योंकि अब आप बूढ़े होकर स्थानक को आप रोक रहे हो, इसकी वजह से नेक्स्ट महाराज साहब को बैठने के लिए हम जगह कैसे दे पाएंगे। तो कहते हैं साध्वी जी देख लो, साधु बनो या गृहस्थी रहो, बुढ़ापे में यह हालत हो जाती है। मैंने कहा महाराज साहब आप अपना अनुभव बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। जब तक संघ की इच्छा रहेगी ये सारे दोष पैदा होंगे। और महावीर देख रहे थे कि बुढ़ापे में क्या हालत होती है आदमी की। वो बेटे जो कल पापा पापा करते थे, कब तक? जब तक पापा के पास कैश बैलेंस था, बैंक बैलेंस था। और जिस रात पापा ने अपनी सारी संपत्ति का विभाजन कर दिया, बेटों को बांट दिया, अगले दिन किसी बेटे को बाप के पास बैठने के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। कहेगा पापा टाइम नहीं है, बैठना तो चाहता हूँ टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। तो बुजुर्ग साधुओं ने भी ध्यान दिया, महावीर ने ये सब देखा होगा, तब उनको समझ में आया कि संघ की इच्छा ही गलत है, आज नहीं तो कल कितने दोष पैदा करवाएगी। और सारे भ्रमों को साक्षात्कार करते ही वे भ्रमों से मुक्त हो गए। उनका मन कमजोर नहीं था कि वे जानबूझ करके भ्रमों को कंटिन्यू रखते। अब हमारा प्रश्न यह है कि क्या हम नहीं जानते? हम सभी जानते हैं, जब शमशान यात्रा पे लोगों को पहुंचाने जाते हैं तो हम नहीं जानते क्या? हाँ हम भी तो जानते हैं। कुछ दिनों पहले एक श्रावक जी यहाँ मिलने आए थे हमसे, जो जैन दर्शन के गहन जानकार है, विद्वान है, जैन कुल में तो पैदा नहीं हुए लेकिन उनको सारे शास्त्रों रटे हुए हैं। वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बता रहे थे कि वे जिस गांव में संबंध रखते हैं, शरीर का संबंध जिस गांव से उनका है, उस गांव के लोग एक बार अपने गांव में शमशान बनाने की तैयारी कर रहे थे, और गांव के लोगों के लिए शमशान बनना है तो चंदा इकट्ठा करने के लिए वे कई लोगों के पास पहुंचे। तो वे श्रावक बता रहे थे कि मेरे पास भी शमशान के लोग चंदा इकट्ठा करने आए और मुझे कहा कि आप चंदा दो, आपके नाम का पत्थर वहां लगेगा। कहां पे लगेगा? शमशान बनाने के लिए चंदा दो, आपके नाम का पत्थर लगेगा। वो बोले शमशान में मेरे नाम का पत्थर की जरूरत नहीं है, अगर तुम कुछ लिखवा सको तो एक बात लिखवा देना। कि क्या? कि ये लिखवा देना, यू आर ऑल्सो इन वेटिंग लिस्ट, आपका नाम भी वेटिंग लिस्ट में है। बोले ताकि जितने भी लोग आएंगे अर्थी को कंधा देने, सारे लोग उस पत्थर को देख सकेंगे कि आप भी वेटिंग लिस्ट में हो। वो बोले मैंने ये लिखवा दिया अपने नाम की जगह। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। हकीकत यही है कि हम सब लोग वेटिंग लिस्ट में, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम भ्रम को कंटिन्यू करते हैं। पता है क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने भ्रम छोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ। हमें ये नहीं पता कि हमने भ्रम छोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ। संन्यास का मतलब यह है कि जो इतनी हिम्मत करे कि भ्रमों को छोड़ देगा, उसके बाद में जाएगा कहाँ यह सवाल नहीं रखता। जिसके भीतर यह सवाल नहीं है कि मैं सारे भ्रमों को छोड़ दूंगा उसके बाद में जाऊंगा कहाँ, यह क्वेश्चन को जिसने ओवरकम कर लिया, अपने मन की इस कमजोरी को जिसने जीत लिया, बस वही व्यक्ति संयम को उपलब्ध हुआ, वही व्यक्ति संन्यास को उपलब्ध हुआ, वही व्यक्ति संन्यस्त हुआ। बाकी का तो कोई आदमी संन्यस्त होता ही नहीं। संन्यास आंतरिक घटना है और वो तब घटती है
जब सारे भ्रमों का साक्षात्कार होने लग जाए और एक व्यक्ति अपने भ्रमों को छोड़ने की हिम्मत कर ले। वो कहते मैं भ्रम को छोड़ता हूं, जाऊंगा कहां, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद भ्रम बने नहीं रहते। साधु का बाना पहन लेने से भ्रम हट जाते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां भी एक नया समाज है, वहां भी एक नई दुनिया है, वहां भी नए सपने हैं, वहां भी नए रिश्ते हैं, वहां भी एक नया संसार है। लेकिन संन्यास उसको कहते हैं जो भीतर बाहर साधु के जीवन का संसार और गृहस्थ के जीवन का संसार दोनों के भ्रमों को जो जान करके अपने आप को हटा देता है भ्रम से। वो कहते हैं मैं भ्रम छोड़ता हूं, मुझे भ्रम समझ में आ गया, अब मैं इस भ्रम की श्रृंखला को अपने माइंड में कंटिन्यू नहीं करूंगा। जो माइंड में भ्रमों की श्रृंखला को कंटिन्यू रखने की आदत से, इच्छा से, लगाव से, आकर्षण से मुक्त हो जाए वह सन्यासी। अब जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा, रहेगा इसी भ्रमपूर्ण दुनिया में। लेकिन जिसके भीतर कोई भ्रम नहीं रहेगा वह सन्यस्त हुआ। ऐसा सन्यास हम सबको घटित हो, हम सब अपने भ्रम से बाहर आ जाए, भ्रम से मुक्त हो जाए, सत्य की दृष्टि हम सब में अनावृत हो, यही सद्भावना, यही मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।